एक ऐसा बड़ी वेल दिस अपन क्या हाल चाल, वेलकम टू अवर हैकर ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आज हमारी वीडियो के अंदर, जो है जैप प्रॉक्सी बग बाउंटी टूल, जो इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट टूल के अंदर काउंट होता है ये बग बाउंटी टूल, जिसके थ्रू आप मैनुअल टेस्टिंग कर पाते हैं, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर पाते हैं और बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगर आप बग बाउंटी को अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो और जैप प्रॉक्सी को नहीं जानते हैं तो भाई ये तो बहुत खतरनाक वाली बात हो गई, क्योंकि ना जैप प्रॉक्सी जो है, पहले बता दूँ मैं आपको कि जैप प्रॉक्सी जो है फ्रीवेयर टूल है और उसमें आप वो सारे प्रोफेशनल काम कर सकते हैं जो एक बग हंटर बेसिकली अपने पेड वर्जन में कर पाता है। इसे कंपेरिजन में बग सो टूल भी है, उसके भी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि भी दोनों में कंपैरिजन क्या है, बट ये जो टूल है ये बहुत खास टूल होने वाला है बग बाउंटी के हिसाब से। मतलब इसके अंदर मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेट टेस्टिंग, सेटअप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आज मैं तमाम चीज़ें कवर करने वाला हूँ जैप प्रॉक्सी के ऊपर, कि किस तरीके से बेसिकली आप पर्टिकुलर इस टूल को कन्फिगर कर सकते हैं और सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं बग्स फाइंड आउट करने के लिए। आए सोनू, ठीक है, तो वीडियो को बिना डिले करे शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे थे बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर वीडियो का, कि सर एक पर्टिकुलर आप ऐसा टूल लेकर आओ जिसके थ्रू हम लोग बग हंटिंग कर सके और बग बाउंटी के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं तो उसके ऊपर हम लोग कैसे इसको यूज़ करें। इससे पहले एक रिद्धि की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, रिद्धि मैम की सीरीज चल रही है, तो उसी के अंदर ये वीडियो एक एक और एड ऑन की तरह काम करेगी। हाय अमृतसरी ब्रो, ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो बता दूं मैं आपको कि ना आज क्यू एन ए सेशन जो रहेगा वो लास्ट में रहेगा, अभी बज रहा है 10:22, तो 11:15 बजे मैं क्यू एन ए सेशन लूंगा, तो जो भी डाउट्स रहेंगे इस टूल रिलेटेड वो सब आप पूछ सकते हैं 11:15 बजे के बाद, आधा घंटे का होगा क्यू एन ए सेशन। तब तक चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं ट्रांजिशन चेंज कर लेता हूँ मैं, यस अभी ठीक रहेगा। हाय सचिन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रहा है भाई का, ठीक है। तो पहला वो करना क्या है कि भाई आपको जैप प्रॉक्सी टूल डाउनलोड करना है। तो मैं जैप प्रॉक्सी टूल जो है ना, ये बेसिकली आपने डेवलप करा है ओवास, ओवास का नाम जानते होंगे, नहीं पता तो बताता हूँ मैं आपको, ओवास टॉप 10। ओवास टॉप 10 जो है ना, ओवास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पर्टिकुलर जितने भी स्टैंडर्ड्स इसने डेवलप कर रखे हैं वेब एप्लीकेशन हैकिंग के ऊपर, वेब एप्लीकेशन हैकिंग की बग्स के ऊपर, या फिर मान लो मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर जब बग्स होते हैं उनके ऊपर टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज ने आइडेंटिफाई कर रखा, क्लासीफाई कर रखा है उनको एपीआई के अंदर। तो ऐसे ओवास टॉप 10 जो है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में आता है। सो ओवास एक है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर चेक करते हैं कि ना किस तरीके से कौन कौन से बग्स जो है ना ये अभी वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रहे हैं, उसके हिसाब से ना उसके हिसाब से इन कैटेगरीज डिसाइड करते हैं इनके सेवरिटी लेवल के हिसाब से और उनको फिर लिस्ट डाउन करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी आप बग हंटिंग करने जा रहे हैं, टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो कोई जनरली आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो आपको हमेशा बोलना, मतलब हमेशा तो नहीं पर आप बोल सकते हैं कि मैंने ओवास टॉप 10 का स्टैंडर्ड फॉलो करा, तो ये एक वर्ल्ड रिनाउंड है। तो भाई अगर आप वीएपीटी साइबर सिक्योरिटी बग हंटिंग में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको ओवास टॉप 10 का पता होना चाहिए। सामने देखो ये पूरा दे रखा है, टॉप 10 वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क 2017 और 2021, जो अभी लेटेस्ट जो अभी लास्ट टाइम आया था 2021 के अंदर आया था, और ये पूरी पूरी देखिए कितने सारे नए नए दिख रहे हैं ना, ये तीन तो नई कैटेगरी आ गई है इसके अंदर। तो अब इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, हाय प्रदीप, हाय एएस गेमर, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर इसी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक टूल डेवलप कर रखा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जैप प्रॉक्स अगर आप वर्कशीट पे जाओगे तो उसका लाइसेंस वर्जन भी आएगा और ओपन सोर्स भी आएगा, पर मतलब कम्युनिटी एडिशन भी आएगा, पर इसका जो है ये जैप प्रॉक्स ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बहुत अच्छे तरीके से आप मतलब इसको चला सकते हो। इसका ग्राफिकल इंटरफेस बहुत तगड़ा है भाई, मतलब आप देखोगे ना तो लगेगा भाई जाने कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। जो आपने थंबनेल में देखा ना फोटो, वो बिल्कुल सही है, वो ज़ैप प्रॉक्सी का ही है। चलिए फिर पहले इसको डाउनलोड करते हैं और फिर कन्फिगर करेंगे हमारे ब्राउजर में, फिर बग्स फाइंड आउट करते हैं। तो लाइव दिखाने वाला बग्स फाइंड आउट करके आपके सामने। तो पहले करना आपको डाउनलोड ज़ैप प्रॉक्सी, ठीक है, ये कर दिया अपन ने, पहला लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं पता तो मैं आपको चैट बॉक्स में डालता हूँ ताकि आपको वहाँ भी पता चल जाए। और भाई फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दो ताकि अपना सेशन जो है अपना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आ गया, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच ब्रदर, आई डोंट नो माई नेम, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच ब्रदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे आपने पहला वाला लिंक जो है उसमें टाइप करा अपन ने, ठीक है, डाउनलोड के लिए आ गया। आप देख रहे हैं आपको यहाँ 64 बिट, 32 बिट, जो जिस टाइप का ये, और बता दूं मैं आपको सबसे बेस्ट बात जो है ना, पर पहली बात तो ये ओपन सोर्स टूल है, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, इसमें कोई पेड वर्जन अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा भैया नेटवर्क वीएपीटी की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच गोकू, आई होप काफी एंजॉय करा होगा आपने, ठीक है ना। तो अब बता दूं मैं आपको कि भाई ये ना ये जो है ना आपका जो जैप प्रॉक्सी है, पहली बात तो ओपन सोर्स सबसे बेस्ट एडवांटेज ये कि भाई कंप्लीटली ओपन सोर्स है, आपको कुछ पैसे नहीं देने इसके अंदर, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से यूज करो। सेकंड जो है बेसिकली सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए ही
को सपोर्ट करता है, जैसे मान लो विंडोज को करता है, लिनक्स को करता है, मैक ओएस को करता है। तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि ये सारे प्लेटफॉर्म, अगर आप मैक ओएस चला रहे हैं, आप एप्पल मैकबुक चला रहे हैं, तो उसके लिए भी सपोर्ट करेगा, लिनक्स में तो लिनक्स के अंदर भी अवेलेबल है, या फिर मान लो विंडोज तो विंडोज में अवेलेबल है। तो ऐसा भाई टूल बहुत कम है जो बग्स हंट करने काम आता है। फिर देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे डाउनलोड कर लेता हूँ, 183 MB का ये, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा डाउनलोड होने देता हूँ, थोड़ा टाइम लगाएगा ये, ठीक है ना, 16 सेकेंड्स। अभी मैं पॉज करता हूँ, बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने का बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ अ जैप प्रॉक्सी भाई, कोड विद राजू भाई। तो जैप प्रॉक्सी का काम है बग्स फाइंड आउट करना, किसी वेबसाइट किसी मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आपको बग्स ढूंढने हैं, तो उस कंडीशन में आप जैप प्रॉक्सी टूल का यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट के अंदर बग फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप क्लियर होगा, हो गया होगा आपको, ठीक है ना। इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। क्रिप्टो लवर हेलो ब्रदर। वो करने के बाद फिर देखो करना क्या, आपको जैप प्रॉक्सी पे जाना है। वो अभी मेरी जो है ना नेटवर्क VAPT कंप्लीट नहीं, अभी सिर्फ VA पार्ट कंप्लीट हुआ, PT का अभी स्टार्ट होगा वीडियोस आना। तो 6 वीडियोस के अंदर अपने VA कर लिया है, अब PT पे जाएंगे अपन, तो देखना वो भी काफी अच्छी इंटरेस्टिंग रहेगी, ठीक है ना। जैप प्रॉक्सी अपना टाइप करा भाई, झंड हो गई, हाँ जैप है ना, बस ठीक है। ठीक है, तो जैप का 2.11.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। क्लिक करना है, ओपन कर लेना है, जैप प्रॉक्सी टूल का नाम है। अब मैं इसको पहले ब्राउजर साथ में कन्फिगर करूंगा, कन्फिगर करने के बाद किस तरीके से रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा मैं आपको बर्ब सूट के साथ में, और इसकी डिटेल वीडियो अलग से लूंगा मैं कि दोनों में कंपैरिजन कितना है, कैसे आप किस लेवल तक आप इसको यूज कर सकते हैं, और किस लेवल पे आपको बर्ब सूट यूज करना है, उसका भी एक मैं अलग से वीडियो लूंगा, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरिटी बन जाए, ठीक है ना। तो ओके कर दो भाई को, हाँ ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में जैसे आप स्टार्ट करोगे इस टूल को, तो ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, डू यू वांट टू परसिस्ट अ जैप सेशन। अगर आपको जैप सेशन, जैसे कई बार अपन क्या करते हैं, अरे भाई कहाँ नाराज हो अमृतसरी ब्रदर, कहाँ से कहाँ नाराज हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मान लो जैसे आप जैप प्रॉक्सी को स्टार्ट करते हो ना, तो ये से पहले पूछेगा कि भाई आपको कहाँ स्टोर करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन होती है, वो वहाँ पे स्टोर करता है, पर जैसे मान लो कि आप किसी नेटवर्क, आप कंपनी के अंदर VAPT कर रहे हो ना, तो आपको है ना मतलब आपने, क्योंकि हमारी टेस्टिंग चलती ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे चलेगी, 3-4 घंटे चलेगी, चलती है 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक। तो इसको आप बार बार क्लोज करोगे ना, तो ये गायब हो जाएगा, मतलब सेशन स्टोर है पर ये किसी लोकेशन पे स्टोर नहीं होता, अगर बाय डिफॉल्ट अपन सीधे अपन जाते हैं तो उस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे पहला वाला जो दे रखा है ना, तो ये करंट टाइम स्टैम्प के हिसाब से एक ना सेशन क्रिएट कर लेगा जहाँ पे ये अपना सेशन स्टोर करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा वाला दे रखा है कि आई वॉन्ट टू स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन, मुझे कहीं स्टोर स्टोर करना है इसकी फाइल। तो स्टार्टिंग में ही आप इसको सेव कर लें, क्योंकि बाद में फिर लोचा होता है भाई कहाँ सेव करो क्या करो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मत करना। थैंक्स थैंक्स सर, अंडरस्टूड अबाउट जैप प्रॉक्सी। अगर आपको कभी नेसेस की लेजिट क्रैक मिले तो वीडियो बना दीजिएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, कोड देता बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर्म फिल कर किया है पर कॉल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है कि ना भाई आपको लोकेशन पे सेव करना था भाई, आप हमेशा टेस्टिंग के दौरान हमेशा इसी को यूज करना, क्योंकि आपने जैसे मान लो फोल्डर बना रखे, अलग अलग ऑडिट करते हैं, तो फोल्डर बना रखे उसमें सेव करना ही अपन को, ठीक है ना। और लास्ट वाला करोगे तो भाई कुछ नहीं करेगा, आई नो आई डू नॉट वॉन्ट टू परसिस्ट दिस सेशन एट दिस मोमेंट, तो भाई उस कंडीशन में हम लोग लाइव ही रन करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जाना है, यार सेलेक्ट करना है आपको बीच वाला, क्लिक ऑन स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक करना है, और फिर ये आपको देगा फोल्डर की डिटेल्स कि भाई कहाँ पे आपको स्टोर करना है, ठीक है ना। तो लेट सपोज कि मैंने, हाँ डेस्कटॉप पे ऊपर कर लेते हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है यहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं अपन डेमो के नाम से, ठीक है। यहीं पे अपन ने डाल दिया अपन ने टेस्ट .NET डेमो डॉट टेस्ट। भाई जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं ऊपर जाए, पहले वीडियो पर क्लिक करें, ऊपर सेटिंग्स का बटन आ रहा होगा, सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करें आप, और फिर क्वालिटी को जाके आप है ना हाई पिक्चर क्वालिटी पे कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना भाई। Nmap से मोबाइल एक्सप्लोर का नहीं बनता, आपको शायद ना पता नहीं है मेरे हिसाब से, तो Nmap से नहीं होएगा। सेव कर लिया, तो भाई अब मेरा जो सेशन है ये एक्चुअल में सेव हो गया किसी एक लोकेशन पे जाके, ठीक है ना। तो ये बेसिक काम तो मुझे करना ही है स्टार्टिंग के अंदर, कि भाई ये ना जब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, अब देखो यहाँ, हाँ ठीक है भाई, क्या बिल्कुल, अरे भाई ठीक है ना। तो ये बेसिक काम तो मुझे करना ही है कि ना मेरा, जिससे मैं सेशन को स्टोर कर सकूँ। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप ऑटोमेटिक स्कैन पे जाओ या फिर मैनुअल एक्सप्लोर पे जाओ। अब ऑटोमेटिक स्कैन करोगे तो कुछ नहीं करना, क्लिक करना है और सीधे आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल देना है, सॉरी आईपी एड्रेस नहीं, वेबसाइट का नाम डाल देना, और स्टार्ट क्लिक ऑन स्टार्ट कर देना अटैक करने पर। पर ये सही तरीका नहीं होता है टेस्ट करने का, क्योंकि जैसे मान लो, अगर मान लो कोई ऐसा वेब पेज है, ठीक है ना, वेबसाइट है जहाँ पे लॉग इन पेज के अंदर भी बहुत सारे पेजेस होता है ना, facebook.com, अगर आपने डाल दिया डायरेक्टली facebook.com, तो फेसबुक का होम पेज स्कैन करेगा फिर छोड़ देगा। ध्यान रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मतलब मैनुअल स्क्रॉलिंग हम क्यों करते हैं और ऑटोमेटेड हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया साइट का नाम, जैसे लेट सपोज कि मैं करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। मतलब मैं आपको वो सारे चैलेंज बताऊंगा कि जो इंडस्ट्री में आप फेस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा इसको यूज़ करते वक्त। हाय राघव, अब जैसे लेट्स सपोज बताता हूँ मैं आपको डेमो डॉट टेस्ट, जैसे ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इस साइट को अपन स्कैन कर रहे हैं। अब ठीक है ना, बहुत सारे पेजेस दे रखे दिख रहे हैं, सारे जगह पेजेस दे रखे हैं, इन सब को अगर मान लो आपने डायरेक्टली साइट का नाम लिया, इसको डाल दिया अपन ने, तो इन सब सारे पेजेस को स्कैन करेगा, पर यहाँ साइन इन पेज को स्कैन करेगा, पर साइन इन पेज के अंदर जाने के बाद जो फाइल्स है ना उनको स्कैन नहीं करेगा। मतलब जैसे मैंने करा एडमिन एडमिन, ठीक है ना, अब एडमिन एडमिन करने के बाद दिख रहा है आपको यहाँ पे अदर पेजेस आ गए, व्यू अकाउंट समरी, ये स्कैन नहीं हो पाएगा क्योंकि कुकीज ही नहीं है ना भाई, सेशन आईडी नहीं, तो कैसे स्कैन करेगा, गेट योर पॉइंट। तो वो चीज़ें, तो ये सारे पेजेस को कभी ये स्कैन ही नहीं कर पाएगा, इनमें कोई बग्स फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप ऑटोमेटेड कर रहे हैं, ऑटोमेटेड वाले में सिर्फ इसका नाम डाल दो और क्लिक कर दो स्टार्ट स्टार्ट प्रॉक्सी के ऊपर, और अगर वो नहीं करना चाह रहे, मैनुअली करना चाह रहे हो, हर पेज के स्क्रॉल करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस होती है पहले आप मैनुअल एक्सप्लोर करो, और उसके बाद मैनुअल बग फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोमेटेड में तो आपको रेगुलर बग्स मिल जाएंगे, पर मैनुअल के अंदर आपको बहुत क्रिटिकल लेवल के बग्स भी क्लियर मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाय आमिर, तो मैनुअल एक्सप्लोरेशन जा रहे हैं अपन, यहाँ से भी आप डायरेक्टली साइट का नाम देके लॉन्च ब्राउजर कर सकते हो कि भाई कहाँ पे इसको ओपन करना, एक ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका और है इसका, मतलब एक साइट का नाम डालो, लॉन्च ब्राउजर करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्रोम में खोलना है, फायरफॉक्स में खोलना है, फायरफॉक्स पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा। उसके अलावा एक तरीका और है, उसमें देखो दिख रहा है ऊपर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा टूल का, टूल का दिख रहा है आपको टॉप पे बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है टूल, टूल पे जाने के बाद नीचे का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शंस। तो बेसिकली जैसे हमने मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए भाई, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे हिसाब से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मैं ऑप्शन भी साथ में बोल रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप वहां से भी देख लो, ठीक है ना। ठीक है, मैं बोलता भी रहूंगा ताकि अगर मान लो आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख भी लीजिए इसको, ठीक है ना। तो आपको टूल्स में आ रहा है, टूल्स में जाने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ना ऑप्शंस के नाम से आ रहा होगा, क्लिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रॉक्सी, PROXY, एंटर करेंगे, एंटर करने का प्रॉक्सी टाइप करा अपन ने, और फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लोकल प्रॉक्सीज लिखा आएगा, LOCL लोकल प्रॉक्सीज लिखा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि भाई लोकल प्रॉक्सी में क्या सेट कर रखा है, लोकल होस्ट क्या सेट कर रखा है हमारे यहाँ पे, थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि आपको देखो एक बार नजर आ रहा है नहीं आ रहा, अभी दिख रहा है सबको, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा प्रॉक्सी, प्रॉक्सी करने का देखो नीचे आगे लोकल प्रॉक्सी, और फिर यहाँ पर आ रहा है लोकल होस्ट, दिख रहा है। हाय परमार, ठीक है। अब देखो यहाँ पोर्ट नंबर 80 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि ना अपने पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लोकल होस्ट का रन कर रहा है ये पटेरा पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है अपन को, नीचे आ जाओ, कहाँ गया ये रहा, हाँ ठीक है। हाय प्रदीप सरकार, थैंक यू सो मच ब्रदर, वेलकम टू साइबर पंक, आप साइबर पंक के मेंबरशिप बन चुके हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और अभी काफ़ी सारी वीडियोस अभी आपके लिए भी आ रही है साइबर पंक के लिए भाई, जैसे जैसे धीरे धीरे आप लेवल अपना बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे हम भी वीडियो का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रदीप, इतना ट्रस्ट करने के लिए चैनल के ऊपर और साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रीमियम वीडियो से एक्सेस लेना, जैसे अभी मेटा एक्सपर्ट, सॉरी अपना मेटा एक्सपर्ट आने वाली है, और नेसस पे नेटवर्क VAPT के ऊपर हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है, बफर पे ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करें आपको सारी प्रीमियम वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा, 59 रुपीज़ की मेंबरशिप है, इतना कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम वीडियोस देख के आप अपना नेट अपने आप को नेटवर्क VAPT और साइबर सिक्योरिटी के अंदर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप इसे, तो लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है ना। तो ओके कर देता हूँ मैं इसको, अब यही चीज़ आपको ब्राउजर में जाके सेट करनी है, तो आप ब्राउजर में जाए, फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज़ करें, अच्छा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है ना, नीचे आने के बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद और प्रॉक्सी पर आए, प्रॉक्सी पे जाने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है मैनुअल प्रॉक्सी, मैनुअल प्रॉक्सी में जाने के बाद मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिनको क्लियर नहीं है वो शायद है ना जब वीडियो लाइव के बाद दूसरी जगह जाएगी, स्पेलिंग्स आर नॉट क्लियर अंडरस्टेबल, बिल्कुल जेम्स समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है ना। अभी शायद है ना आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, पर जब वीडियो जो है लाइव हो जाएगी उसके बाद, मतलब अभी तो लाइव सेशन चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर वीडियो जब लाइव जाएगी ना तो उस टाइम पे आपको अच्छा HD के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे अपन ने मैनुअल प्रॉक्सी पे सेट करा, और यहाँ पे हमें डालना है लोकल होस्ट, क्या डालना है अपन को,
लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 80 हमें सेट करना है, ठीक है। तो मैंने पोर्ट नंबर 80 सेट कर लिया है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रॉक्सी है मेरा लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 80, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि मैंने बेसिकली सेट कर दिया, सेट करने का दिख रहा है आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया, दिख रहा है नीचे ये थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल 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 कोड विद राजू, बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी प्रॉक्सी का भी यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन है कोई फायरफॉक्स का जिसके थ्रू आप है ना आराम से प्रॉक्सीज के अंदर स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक कोई इशू वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ट्रैफिक आना दिख रहा है आपको साइड्स का, साइड में लेफ्ट साइड में देखो तो साइड्स आना शुरू हो गई है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस पेज को स्क्रॉल कर रिफ्रेश मारता हूँ एक बार, ऑटोमेटिकली इसकी भी एंट्रीज बनना शुरू हो गई, दिख रहा है यहाँ पे एंट्रीज बन गई है इसकी भी, ठीक है। तो भाई अब ये भी हमारा बनना शुरू हो गया है, ये तो हो गया हमारा, डिस्प्ले थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, जनरल फॉन्ट, अब एक जाने कौन सा लुक कर देगा भाई। ओहो भाई ये क्या कर दिया इसने, ठीक है थोड़ा और दे लेता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अजीब सा कर दिया भाई मैंने, 18 कर लेते इसको, मेटल में तो नहीं, अभी और नजर नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, किसने बोला डार्क थीम कर दो, डूब के मर जाओ। ठीक है भाई 7 के होने वाले, बिल्कुल भाई बिल्कुल 7 के होने वाले, आज हम करके जाएंगे 7 के, ठीक है ना। देखो अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया मेरे हिसाब से, आप तो जाके इसको मैं सेट करता हूँ यार, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया मेरे हिसाब से। स्केल इमेज फ्लैट लाइट, हाँ ठीक है ना, अभी चलना है तो अभी इसको है ना ज्यादा उंगली नहीं करेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आना शुरू हो गया, जितना उंगली करो ना उतना खराब हो जाता है चक्कर भी, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे देखो क्या है कि ना अभी जैसे अपन ने यहाँ पे क्लिक करा ना, देखो डेमो डॉट टेस्ट डॉट नेट यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन दिखा के लेके चलता हूँ कैसे आपको यूज करना। अब देखो ये कितना बढ़िया इंटरफेस आ गया, जैसे ही आप प्रॉक्सी सेट करेंगे, प्रॉक्सी सेट करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और सबसे बेस्ट बताऊँ मैं आपको कि बहुत सारे प्रॉक्सी टूल के लिए आपको बार बार स्विच करना पड़ता है यहाँ से वहां जाने के लिए, ठीक है ना भाई। बहुत दिनों बाद आया मैं, हाय त्रिकोण, ठीक है ना। तो आपको बार बार स्विच करना पड़ता है प्रॉक्सी टूल से इधर प्रॉक्सी टूल से उधर, पर सबसे बेस्ट बात जो है ना ज़ैप प्रॉक्सी का कि आप सारा काम जो है ना वो यहीं से कर सकते हो इसके वेब ब्राउजर से भी, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कंटिन्यू टू दिस टारगेट लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू योर टारगेट दे रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये दिख रहा है ना आपको साइड में ये ऑप्शन बटन दे रखे हैं, साइड में दिख रहा होगा आपको बिल्कुल, और यहीं पे सब चीज़ें नजर आई कौन कौन सी वेबसाइट है। मतलब सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि भाई मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे साइड को स्क्रॉल करना, बाकी सारे मेरे बग्स वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, ये हाई बग्स एडिट साइड में देखो नीचे की तरफ ये हाई बक्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये मीडियम, ये लो, और फिर ये इंफॉर्मेशनल, ठीक है। इट इज शोइंग लॉग इन टू द नेटवर्क, तो भाई आपको थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये दे रखा है, उसके अलावा स्पाइडर करने का ऑप्शन भी यहीं पे दे रखा है, उसके अलावा साइट्स कौन कौन सी आप साइट ट्री क्रिएट करना हो वो चीज है, फिर एजेक्ट स्पाइडर दे रखा है, और स्टार्ट एक्टिव स्कैन। एक्टिव स्कैन बेसिकली होता है इसका वल्नरेबिलिटी स्कैन, जिसके अंदर बहुत सारे पेलोड्स वो लगाता है और चेक करता है कि बेसिकली किस तरीके से आपका किस तरीके से आपके साइड में बग्स हैं या नहीं वो चीज। आप कैसे डूबू ब्रो, ठीक है ना। तो वो चीज है, उसके अलावा यहाँ पे देखा है नॉट आउट ऑफ स्कोप, और देखा है ब्रेक इन, और सब यहाँ पे और भी देखा है ना, पेज अलर्ट्स हाई, पेज अलर्ट मीडियम, लो, और इन्फॉर्मेशनल, ठीक है। ठीक है देखो यहाँ पर आते हैं अपन फटाफट, तो पहले मैं अभी यहाँ सबको स्क्रॉल कर लेते हैं वन बाय वन। अब देखो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो आप साइड में देखो अपना बक्स आना शुरू हो जाएंगे, दिख रहे ना आपको
यहाँ पे 3 2 1 अपना आप आना शुरू हो गया। जैसे मैं लॉग इन पर क्लिक करता हूँ, साइन इन पर जाता हूँ, दिख रहा है, देखो यहाँ पर आ गया सस्पिशियस कमेंट, दिख रहा है आपको? तो अगर आपको चेक करना हो सस्पिशियस कमेंट, दिख रहा है यहीं पे ही, तो भाई यहाँ पे आप सस्पिशियस कमेंट चेक कर सकते हैं। ये पूरा पूरा उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, क्या इसका बग्स मिला है, यूजर नेम, समझ में आ रहा आपको? मतलब डिटेल के बारे में पूरी इधर मिल जाएगी। बैक करो, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो मीडियम के अंदर, लो के अंदर कौन कौन सी बग्स आए हैं यहाँ पे, है ना? ये बेसिकली जो है ना बग्स होते हैं, ये डिफॉल्ट, ये कहाँ से स्टार्ट करें भाई? विशाल भाई स्टार्ट करने के लिए अभी रुक जाओ, मैं बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट करना। मोर इन शॉर्ट्स यू कैन सी फ्रॉम बिगिनिंग हाउ टू सेट अप प्रॉक्सी। भाई इन शॉर्ट के अंदर कुछ नहीं करना आपको, अभी तो बताता हूँ भाई के लिए अपने, ठीक है ना? यहाँ पे टूल ओपन करना है, टूल्स में जाना है, टूल्स में आने के बाद ऑप्शंस पे जाओ, ठीक है ना? ऑप्शन में आने का प्रॉक्सी होगा, लोकल प्रॉक्सी टाइप करोगे यहाँ पे, प्रॉक्सी तो दिखाएगा ये, नीचे आप हाईलाइट कर देगा ऑटोमेटिकली, है ना? लोकल प्रॉक्सी के नाम से होगा, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 80, मैंने कस्टमाइज कर रखा है पोर्ट नंबर 80, आपका 8080 आएगा, ठीक है ना? तो उसको बस आपको ब्राउजर में प्रॉक्सी में सेट कर देना है, जैसे जाके यहाँ पे प्रॉक्सी में जाके यहाँ पे प्रॉक्सी में सेट कर देना लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80 है, मेरे 80 है, तुम्हारा 8080 होगा तो 8080 डालना आप, ठीक है ना? भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ मैं, थैंक्स गोकू याद दिलाने के लिए, भूल गया था यार मैं, ठीक है ना? यहाँ पे ऐड कर देना है। अब देखो यहाँ पर आ गया मीडियम हाई, तो दिख रहा है आपको? मतलब ऑटोमेटिकली ये पूरा स्कैन करना शुरू कर दिया। भाई टेलीग्राम का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, जिसको ज्वाइन करना टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? अब जैप प्रॉक्सी और बर्फसूट में क्या डिफरेंस? भाई दोनों के अंदर कंपनी अलग अलग, दोनों काम सेम करते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी मैं। हाँ भाई कर सकते हैं प्लीज, ठीक है ना? तो अब जैसे सारे काम, अब जैसे मान लो कि मैं सारे पेजेस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बग्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, दिख रहे ना आपको? अब आपने बोला तो अपन सर इतना तो अपन थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया, अब मैं स्प्लाइडर चलाना चाह रहा हूँ, तो स्प्लाइडर दिख रहा है ना? स्प्लाइडर पर क्लिक करो, अभी बोल रहा है कि ना डेमो टेस्ट फायर इज नॉट इन द स्कोप, इन ऑर्डर टू स्प्लाइडर द साइट मस्ट बी एडिट इट इन टू द स्कोप, भाई ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड दे रखा है कि ना ऐड डेमो टेस्ट डॉट नेट टू द स्कोप एंड स्टार्ट स्प्लाइडरिंग इट। तो स्प्लाइडरिंग का मतलब क्या होता है कि इसके सारे पेजेस को स्क्रॉल करना शुरू करेगा, तो पहले तो अपन को इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो यार ऐड करंट डोमेन टू द स्कोप, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आउट का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे ना, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पहला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐड कर लो इसको क्लिक करके, ठीक है ना? तो भाई ये जो है हमारा क्या हो गया, आपका स्कोप में ऐड कर दिया अपन ने, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है ये, अब दिख रहा है इन स्कोप आ गया ये वाला, तो भाई इन स्कोप के अंदर अपन ने इसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट जो टास्क करना है अपन ने इन स्कोप से ऐड कर दिया, अब स्पाइडर पर क्लिक करना है, जब तक कि आप इन स्कोप नहीं करोगे वो स्पाइडर स्टार्ट ही नहीं करेगा। अब दे रहा है कि भाई स्टार्ट स्पाइडरिंग डेमो डॉट टेस्ट डॉट नेट, तो भाई स्पाइडरिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि सारे पेजेस इनोमरेट करेगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे यूजर जो होते हैं ना टेस्टर, क्या करते हैं कि ना कुछ 4-5 पेजेस स्क्रॉल करें और फिर ना अटैक करने में चले गए। भाई ऐसे मत करा करो, क्योंकि वो 4-5 पेज को स्कैन करेगा, वो सबके बार नहीं जाएगा। तो पहले स्पाइडर करो, सारे पेजेस एनुमरेट करो, उसके बाद जाके अटैक करो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको नीचे प्रोसेस चलना शुरू हो गया, प्रोसेस चल रहा है मतलब इन सारे पेजेस को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया ये आपका, दिख रहा है आपको? नए नए पेजेस आ रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस, चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? डायरेक्टली आप जाके कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको करने की भी, ठीक है ना? तो ये पूरा चल रहा है, देखो अभी ये स्पाइडर जो है ना कंप्लीट हो गया, 100% हो गया हमारा, दिख रहा है आपको? 100% कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है कि एक बार अपन ने स्पाइडर कंप्लीट कर लिया, आपका पूरा ट्री बन चुका है आपके वेबसाइट का। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीज आ जाए, आपको दिक्कत होगी सब देखने में, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, साइट के अंदर इतनी सारी चीज आ रही है, भाई समझ में आ रहा कौन सी मेरी साइट है, कौन सी किसकी साइट है? तो उसके लिए दिख रहा है आपको यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी स्कोप में ऐड कर रखा है, ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा शो ओनली यूआरएल इन स्कोप, क्लिक कर दो, फिल्टर हो गया ना पूरा पूरा, तो ऐसे ही रेड हो जाएगा और फिल्टर हो जाएगा, तो इसका यूज कर लोगे, इसको आप क्लिक करोगे तो ये क्या है कि सारे डोमेन को दिखाएगा, और इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिल्टर कर देगा सारे स्कोप को, ठीक है ना? मतलब सारे यूआरएल को फिल्टर कर देगा। उसके बाद देखो नीचे दे रखा है कि आपका अलर्ट, अब अलर्ट में दिख रहा है आपको भाई इतने सारे अलर्ट आ रहे हैं। अब सबसे बेस्ट बात क्या होती है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर की, कि भाई ये जो है ना ये अपडेट रहता है 24, मतलब हमेशा इसको ओवास जो मतलब जैप जैप ओवास जो है वो उसको अपडेट करता रहता है, जिसकी से डेफिनेशन इसकी काफी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अगर आप फ्रीवेयर का क्रैक वर्जन यूज करें जो ओल्डर वर्जन पे काम कर रहा है, उसके मुकाबले में ये ओपन सोर्स बिल्कुल बेस्ट हो है, क्योंकि ये डेली अपडेट होता है, ठीक है ना? ये टाइम टू अपडेट हो रहा है, इसकी डेफिनेशन अपडेट हो रही है। एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसका उसका डेटाबेस कितना स्ट्रांग है, उसके सिग्नेचर्स कितने स्ट्रांग है, तो अगर सिग्नेचर स्ट्रांग नहीं होंगे तो उस कंडीशन में कभी भी आप है ना लाइव बग्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? मतलब बग्स तो मिलेंगे पर इतने आउटडेटेड बग्स मिलेंगे, जो लेटेस्ट होंगे उसमें जहाँ नहीं मिलेंगे।
अब देखो यहाँ पे काफी सारे बग्स आ रहे हैं और इसको भी फिल्टर करने के लिए दिख रहा है आपको, ये एक है ना ग्लोब का आ रहा, ग्लोब के जस्ट बगल में एक बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे रेड हो गया अपने आप ही। तो इस पर्टिकुलर साइट के अंदर इतने ही बग्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे बग्स थे पर क्या है, ऐसे तो बहुत सारे बग्स थे पर दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे बग्स है, पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ओनली ये वाले यूआरएल दिखाएगा कि कौन कौन से बग्स अभी यहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं पूरा पूरा इसके ऊपर, ठीक है ना। फिल्टरिंग कर लिया, अब आपको चेक करना है कौन कौन से बग है, तो किसी भी एक बग पर क्लिक करो। अब जैसे दिख रहा है ना आपको ये cj.exe, भाई क्या दे रहा है ये। अब देखो आपको कोई भी बग देखना है तो इसके अंदर सेवरिटी लेवल स्टार्ट होता है कहाँ से, आपका हाई से स्टार्ट होएगा, ये मीडियम से स्टार्ट, मतलब क्रिटिकल से क्रिटिकल, हाई मीडियम और फिर नीचे नीचे जाता जाएगा आपको। तो जैसे लेट सपोज कि मैं साइन इन करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एडमिन एडमिन डोंट सेव, और यहाँ टाइप करता हूँ तपन। मतलब आपको जब भी क्या करना, जब भी आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो पहले आप क्या करें कि आप सारी साइट के ऊपर जितनी भी साइट्स दे रखी है उन सारी साइट के ऊपर, मतलब साइट पे, मतलब साइट के ऊपर जो भी फीचर्स है सबको एक्सप्लोर करो, सबके अंदर इनपुट डेटा को इनपुट करो, तभी जाके आप उसको एक्सप्लोर कर पाओगे ढंग से और फाइंड आउट कर पाओगे हर एक पैरामीटर की बग्स को। अगर आप सोचो कि बस मैंने सिर्फ हल्का सा एक्सप्लोर करा और बस मैं डायरेक्टली से ही रन कर दूँ एक्टिव स्कैन, तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे पूरे बग्स आप ढूंढ नहीं पाओगे, तो पहले पूरी वेबसाइट को ढंग से एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद सारे सारे जितने भी आपने इनपुट फील्ड है सबको इनपुट फील्ड डालो, आप सब में कुछ ना कुछ आप लॉग इन कर रखा है, लॉग इन करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म में कॉन्टेक्ट फॉर्म भरो, सर्च में सर्च, सर्च में कुछ डालो, ये सारा काम करना पड़ेगा, सारे इनपुट फील्ड आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद एक लास्ट में ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक्टिव स्कैन का, दिख रहा होगा आपको, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी राइट क्लिक मार के अटैक का ऊपर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे एक्टिव स्कैन का ऑप्शन दे रखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे अटैक दे रखा है और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है एक्टिव स्कैन। क्लिक करेंगे एक्टिव स्कैन के ऊपर, भाई त्रिकोण अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई आपको सिर्फ जैप प्रॉक्सी के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा होगा। भाई ब्रो कार्डिंग का लाइव क्लास, भाई कार्डिंग का तो लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, भाई ने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, भाई वेबसाइट का लिंक दे दो, भाई सर आपका वेबसाइट का लिंक दे दो, भाई मेरी वेबसाइट का लिंक चाहिए आपको तो esjacademy.in दे रखा है, ये है ठीक है। पहले फटाफट बता दो कितने लोगों को समझ में आ रहा है सेशन के अंदर, फटाफट बताओ मुझे एक बार कितने लोगों को समझ में आ रहा है सेशन के अंदर, फास्ट फास्ट चैट बॉक्स में डालो यस और नो, और नो तो फिर क्या समझ में नहीं आया थोड़ा सा बता दे आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर। फास्ट फास्ट भाई तुम्हारी सिस्टर को भी परेशान कर रहा था उसमें अभी यहां पे, क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, लाइसेंस चल रहा ना बफ, अगर आपको जैप प्रॉक्सी समझ में नहीं आ रहा तो दिखाओ मुझे ना ये सारा है ना, कल नेक्स्ट में कर सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं 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 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। त्रिकोण भाई ऐसे परेशान मत करो बीच में आ रहा के, ठीक है ना, कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर पूछ रहे हो, मेरी सिस्टर को परेशान कर रहा है, ठीक है, चलेगा चलेगा ठीक है, चलो आप इसे करते हैं पहले स्टार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है कि भाई कौन कौन से बग्स इसने निकाल दिए, दिख रहा है ना, ये सब बाय डिफॉल्ट बग्स है जो आपके हेडर रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, कुछ आपके फ्लैग रिलेटेड इश्यूज होंगे, कुछ आपके आउटडेटेड वर्जन के इश्यूज होंगे, तो इसे डिफॉल्ट वल्नरेबिलिटी दे देता है ये आपको, ठीक है ना। अब एक बार अपने सारे मतलब ये डिफॉल्ट, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो उस टाइम पे शायद हो सकता है कि एक्चुअल बग्स फाइंड आउट करके ना दे आपको, ठीक है, मतलब एक्चुअल तो रहते हैं वो, पर होता है ना मतलब क्रिटिकल टाइप के बग्स, जैसे क्रॉस वर्ड स्क्रिप्टिंग हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, ये सारे बग्स ये फाइंड आउट करके ना दे नॉर्मल जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो, पर तब भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि भाई जो जो आपने इंस्टॉल करा उसके बग्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब राइट क्लिक मारना है इसके ऊपर, अटैक पर क्लिक करना और एक्टिव स्कैन पर क्लिक कर देना और स्टार्ट। अब दिख रहा है आपको ये, आई यूज टू थिंक ऑल बग्स कैन बी रिवील्ड जस्ट बाय अनमैप वल्नरेबिलिटी स्कैनर, नहीं भाई इसके थ्रू भी कर सकते हो आप। अब दिख रहा है अब ये पर्टिकुलर अटैक लगाना शुरू कर दिया इसने। अगर आपको ये चेक करना है कि ये कौन कौन से बग्स चेक करता है, तो यहाँ पे देखो बगल में एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉप के जस्ट बाद, बगल में एक ऑप्शन आ रहा है कि शो स्कैन प्रोग्रेस डिटेल, जब क्लिक करेंगे तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये सारे टाइप के बग्स ये चेक करेगा। पहला है पार्ट ट्रैवर्सल अटैक, फिर रिमोट फाइल इंक्लूजन, फिर सोर्स कोड डिस्क्लोजर, एक्सटर्नल रेडेट, सर्वर साइड इंक्लूड, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड, फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं सारे एक्सेस के ही अलग अलग टाइप, फिर दे रखा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन, सर्वर साइड कोड इंजेक्शन, रिमोट ओएस कमांड इंजेक्शन, ये सारे अलग अलग टाइप के बग्स है भाई।
थैंक यू गूगू रिप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्टिव ब्राउजिंग, बफर ओवरफ्लो, फॉर्मेट स्ट्रिंग एरर, सी आर एल एफ इंजेक्शन, पैरामीटर टेम्परिंग, जाने कितने टाइप के अटैक्स दे रखे, इन सबको ये चेक करेगा वन बाय वन। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर अटैक को, जैसे कई बार होता है ना कि ये पर्टिकुलर स्कैन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्किप का, स्टेटस के जस्ट नीचे देखो आप, आ रहा है स्किप एक्टिव स्कैनर, ठीक है ना। जब इस पर क्लिक कर देंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली ये स्कैन को छोड़ के नीचे आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप ना अलग अलग स्कैन को स्किप कर सकते हो। आप जितने भी ये स्कैन लेके चल रहा है ना, उन सब में ये रिक्वेस्ट भेजा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जब पार्ट ट्रैवर्सल कराना, इसने टोटल भेजा है 354 रिक्वेस्ट इसने भेजी थी। कितनी भेजी है? 354। और उसके अंदर इसने कोई बग्स अभी फाइंड आउट नहीं करा, अलर्ट कुछ मिला नहीं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर, आप जैसे मैं इसको स्किप मारता हूँ यहाँ पे, स्किप 1 2 3, हाँ अब देखते हैं अच्छे से, देखते हैं ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कर पा रहा दिख रहा ना। अभी 15 रिक्वेस्ट मारी, 16 रिक्वेस्ट मारी, और चार्ट दिख जाएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स का, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको अलर्ट्स के अंदर एक आ गया है, दिख रहा होगा थोड़ा सा आप इसको पास में दिखे तो अलर्ट्स में एक नजर आ गया आपको, तो एक नजर आके दिखाता हूँ मैं कैसे नजर आएगा अभी, ठीक है ना। अभी चलने दो इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ये चल रहा है पीछे बैकग्राउंड के अंदर। अलर्ट में दिख रहा है आपको क्रॉसर स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड, ये बग आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्रॉसर स्क्रिप्टिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे साइट्स कर सकते हैं आप, मतलब बहुत सारे बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दिखा रखा है कि दो यूआरएल जो है ना वो अफेक्टेड है, तो दो यूआरएल के अंदर कौन सा यूआरएल है ये दे रखा है, यूआरएल ये उसका दे रखा है कि कौन सा रिस्क दे रखा है, मीडियम कॉन्फिडेंस क्या है मीडियम, और पैरामीटर कौन सा अफेक्टेड है क्वेरी वाला, और अटैक क्या है। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अटैक पैटर्न भी इसने दे रखा है कि भाई अटैक के लिए पेलोड कौन सा यूज करा गया, सबसे बढ़िया बात ये। और इसी के बारे में डिटेल वगैरह आपको सब नीचे दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको कॉपी कर लो आप अटैक को, पैरामीटर क्या है भाई सर्च के अंदर क्वेरी में दे रखा है ना, या देखो यहाँ पे क्वेरी में दे रखा है, क्वेरी इक्वल्स टू, मतलब कि जहाँ आप सर्च बार में दिख रहा है ना यहाँ पे सर्च डॉट जे एस पी क्वेश्चन मार्क क्वेरी इक्वल्स टू। तो इसके लिए करना आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और इस वाले ये सर्च बार में ये पेस्ट कर दो जो भी इसने पेलोड दिखाया था। क्लिक करते हैं अपन गो पे, ओ भाई ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रिप्ट जो है वो रन हो गई है और आपको वन नजर आ रहा है क्योंकि अलर्ट में अपन ने वन डाला था। तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है बग्स को फाइंड आउट करके और मैनुअल टेस्टिंग करके आप उसका, अब ना उसका पीओसी ओसी लेना जो है वो अलग वीडियो में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आप है ना मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखा दिया मैंने। मैनुअल टेस्टिंग करोगे तो भाई उस टाइम पे क्या होता है कि आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, आपको पेलोड थोड़ा डालने पड़ते हैं और ये नॉर्मल बग्स दिखाएगा, पर जब एक्टिव स्कैन करेंगे आप डायरेक्टली, ठीक है ना, ऑटोमेटिक स्कैन होता है उसमें अलग अलग पेलोड ये इंसर्ट करेगा, उसमें से जो पेलोड लग जाएगा वो आपके सामने डील दे देगा कि भाई ये वेबसाइट जो है इस पर्टिकुलर बग से वल्नरेबल है। तो इस तरीके से आप जो है बग हंटिंग के अंदर आप आराम से सर जैप यूज करने पे किसी वेबसाइट में लॉग्स बनेंगे, या कोई कोई इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं भाई, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लॉग्स बनेंगे डेफिनेटली, लॉग्स बनेंगे क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे तो डेफिनेटली लॉग्स तो बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए कंपनीज, आपने देखा होगा बग बाउंड्री प्रोग्राम में लिखा होता है कि डू नॉट यूज ऑटोमेटेड स्कैनर, का रीजन ही अगर सबके सब ऑटोमेटेड स्कैनर चलाने लग गए ना तो साइट की दोबारा बच जाएगी, तो इसलिए कंपनीज हमेशा मना करती है कि भाई कभी भी आप बिना ऑटोमेटेड स्कैनर का यूज मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग बग्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे, बहुत टाइम लगने वाला है इसको। अब ये 1300 रिक्वेस्ट जा चुकी है भाई, 1300 रिक्वेस्ट मतलब 1300 नई एंट्री डेटाबेस के अंदर, या फिर पर्टिकुलर लॉक्स 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 क्रिएट हुई है वहाँ पे सर्वर पे, तो ऑब्वियसली बात है बड़ा इशू तो क्रिएट करेगा ही ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए मना करते हैं कि भाई आप ऑटोमेटिक स्कैन नहीं चलाना, और ये धीरे धीरे सर्वर की परफॉर्मेंस डाउन कर देगा और थोड़ा टाइम बाद जाएगा सर्वर ही बंद हो जाएगा अगर मान लो। और ध्यान रखें इसको कभी भी कंपनी के अंदर रह के ना चलाएं, कंपनी के अंदर बैठ के अगर आप चलाना सर्वर को, सर्वर की बैंड ही बजा देगा ये, तो इसलिए कभी भी इसको यूज ना, मतलब ऐसे यूज ना करें कि नेटवर्क के अंदर बैठ के। तो स्पाइडर आपका कंप्लीट हो गया और एक्टिव स्कैन हो गया, अभी चल रहा है ये, काफी टाइम लेगा बता दूंगा आपको, काफी टाइम लेगा ये स्कैन करने के लिए, डिपेंड करता है साइट कितनी बड़ी, और यहाँ जितने भी सारे बग्स होंगे वो सब लिस्ट आउट होते रहेंगे यहाँ पे धीरे धीरे वन बाय वन, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि भाई तो अपन सर इस पर वीडियो बनाओ कि भाई एक वेबसाइट का कैसे वी और पीटी करते हैं, तो एक बार इस वीडियो के एंड में कमेंट में डाल देना, वीडियो के कमेंट में डालना, अभी उसमें चैट में मत डालना, वीडियो कमेंट में डाल देना कि तपन सर इसे बता दो कि कैसे इसके ऊपर वीडियो, मतलब कैसे इसको वी ए पी टी करें एप्लीकेशन का, और कैसे इसको टेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है ना, ताकि जो जो लोग बिगनर है उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ऑल दो अब देखो क्या होता है कि ये तो मैंने ऑटोमेटिक तरीके दिखा दिया, अब एक्सपीरियंस धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे आप, काफी टाइम से आप वी ए पी टी कर रहे होंगे डेली, आप वी ए पी टी कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपका एक ना लॉजिक डेवलप हो जाएगा। अभी हम लोग क्या है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते,
हम लोग मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ही बग्स ढूंढ लेते हैं, मतलब हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमें पता था कौन से फीचर के ऊपर कौन सा पेलोड लगना है और कौन सा पैरामीटर अवेलेबल होगा। यही एक्सपर्टाइज आपकी शो करता है कि आप कितने एक्सपर्टाइज हैं बग्स को फाइंड आउट करने में, बग्स के फीचर्स, वेबसाइट के फीचर्स को देख के। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप करने के लिए, वो चीज़ थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि एक दो दिन में नहीं आता वो, ठीक है। तो ये जो है ये ज़ैप प्रॉक्सी टूल है, बहुत फेमस टूल है और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इवन आप इसके बाद रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है काफ़ी सारे रिपोर्ट के भी ऑप्शन दे रखे हैं। हाय रजत दे, ठीक है ना, आप देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब रिपोर्ट पे जाते हैं एक बार, जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, थोड़ा लेट हो गए आप, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ पे ये करने वाला, तो मैं इसका लोकेशन चेंज कर देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ करा था मैं, खुद भूल गया, डेमो पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सारी डिटेल आ गई है अपनी, किस चीज़ चीज़ के लिए साइट कौन कौन सी कर रहे हैं अपन। ट्रेडिशनल रिपोर्ट विद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लाइट दे रखा है, मतलब यहाँ से आप फिल्टर वगैरह भी कर सकते हैं, आप चेंजेस भी कर सकते हैं आराम से, है ना। पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, फिल्टर क्या करना, मतलब हाई मीडियम लो तीनों रिस्क लेना आपको करना है, नहीं करना था भाई। अगर आप डिप्लोमा ले रहे हैं अमीर भाई, अगर आप डिप्लोमा, अगर मान लो आप पढ़े कोर्स करना चाह रहे हो, तो आप बिना डायरेक्टली, मैंने एक फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स के अंदर, जाके फिल कर दीजिए उसको, चैट बॉक्स में फॉर्म मैंने पिन कर रखा है, आपको सारी डिटेल जितनी भी है, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आ रहे, थोड़ा सा लेट हो गया। फिल्टर के अंदर देखो आप यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि मेरी रिपोर्ट के अंदर हाई रिस्क आए या इन्फॉर्मेशनल नहीं आए, तो हटा दो इसको इन्फॉर्मेशनल को, कॉन्फिडेंस दे रखा है कि कॉन्फिडेंस कन्फर्म हाई और मीडियम लो, वो भी आप कर सकते हैं, और फॉल्स पॉजिटिव भी आपको डालना है डालना, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। टेम्पलेट का यूज करना, आपको टेम्पलेट के अंदर भी चार्ट वगैरह आपको ऐड करने नहीं करने, स्टेटिस्टिक्स डालना ही नहीं डालना, वो सारा कर सकते हैं। हाय संजय कुमार, ठीक है ना, स्कोप आपका क्या होने वाला है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हैं इवन, ठीक है ना। और जनरेट रिपोर्ट करते हैं अपन, थैंक यू गोगो, ASJacademy.in पे चल जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहाँ जाके। अब देखो दिख रहा है आपको, ये VA रिपोर्ट, ये VA रिपोर्ट है वेब एप्लीकेशन का, पर ये लोग हम कंपनी को देते नहीं है, ये थोड़ा लगता है कि यार आप है ना बिगनर लेवल पे हो, एक्सपीरियंस है ना, तो हम लोगों को ना ऐसी रिपोर्ट दे नहीं सकते। बग्स तो निकालते हैं, कुछ बग्स से निकालते हैं, कुछ मैनुअल टेस्टिंग से बग निकलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के हम लोग देते हैं, पर उसमें मैनुअल रिपोर्ट हमें बनानी पड़ती है, पूरा पूरा मैनुअल मैनुअल काम होता है पूरा। ऑटोमेट कर देना तो फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इवन आप उसको जेनरिक इन्फॉर्मेशन देते हो, आप उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, और कंपनी को चाहिए कि भाई जेनरिक, अगर जितना जेनरिक इन्फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पैचेज करने में, तो इसलिए कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। और ऑटोमेटेड टूल का कभी भी रिपोर्ट जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, बता दूँ मैं आपको, पर इससे अपन रेफरेंस ले सकते, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे क्या डिटेल दे रखी है, सबके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है आपको। अलर्ट, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिंग, रिफ्लेक्टेड डिटेल दे दी है पूरी इसके बारे में। URL मेथड कौन सा यूज़ करा है, गेट पैरामीटर क्वेरी एविडेंस कौन सा है, अटैक के लिए अपन ने ये यूज़ करा है, ठीक है ना। और फिर दूसरे में कहाँ मिला है, फीडबैक में मिला है, पोस्ट नेम के अंदर मिला ये वाली चीज़, ठीक है ना। और ये पूरा दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, रेफरेंसेस दे रखा है, टैग दे रखे हैं इसके, CVE दे रखा है, CVID दे, CWE ID दे दिया उसने, और कौन से प्लगइन की आईडी से ये ना हो रहा है, मतलब फाइंड आउट करा है इसको। इस तरीके से प्रॉपर एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट मिल जाती है आपको, ठीक है ना। तो ये ज़ैप प्रॉक्सी टूल है जिसके थ्रू आप आराम से VA कर सकते हैं, ठीक है ना। PT करने के लिए आपको मैनुअल टेस्टिंग आनी चाहिए, तभी जाके आप PT कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसके अंदर समझ में आ गया होगा कि कैसे ज़ैप प्रॉक्सी का यूज़ करना, कैसे चलाना है। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में डाल, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना, कि तब से और डिटेल वीडियो लेकर आओ कि भाई VA + PTM कैसे करें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए, तो काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा मेरे हिसाब से। पहले हम लोग नेटवर्क का जो VAPT वाला है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इस पर आएंगे, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन आंसर के राउंड राउंड जो आप शुरू कर सकते हैं, 11 बज गई है, ठीक है ना। 15 मिनट का मैं क्वेश्चन आंसर राउंड लूंगा, और उसके बाद फिर सेशन को आज यहीं पर एंड करेंगे। चलिए कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर आज सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। छोटा सेशन था, पर हाँ इसमें मैंने टूल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर मैं ट्राई कर रहा था कि मैंने जो इंपॉर्टेंट अपन ने देना चाह रहे हैं वो आप तक डिलीवर हो जाए। आई होप आपको पूरा जो है ज़ैप प्रॉक्सी टूल जो है समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ चैट बॉक्स में डालना ना भूले, अदरवाइज सेशन को आज यहीं पर एंड करेंगे। भाई एथिकल हैकिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो भाई एथिकल हैकिंग यहीं से स्टार्ट करें, जो आपका चल रहा है वहीं से स्टार्ट करें। उसके लिए आपको एक मैंने सीरीज बना रखी है, साइबर सिक्योरिटी बिगनर टू एडवांस, इसको आप स्टार्ट कर दें, ठीक है ना।
भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप, इससे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और बताओ तुम्हारा फटाफट, कल तुम्हें आज और क्वेश्चन कोई कहीं से? फास्ट फास्ट, अगर आपको कोई भी डिप्लोमा करना है, कोई कोर्स करना है साइबर सिक्योरिटी का, तो मैंने चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके आप डिटेल जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको डिटेल सारे साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग और जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, कोडिंग वगैरह के सारे कोर्सेज डिटेल आपको मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू डू अ डिप्लोमा, डिप्लोमा करना चाहते हैं हमारे यहाँ से, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ये 1 ईयर का टेन्योर रहता है और प्लस 100% ग्रांटेड होता है, दो बैच चलते हैं इसके अंदर। तो प्लीज़ आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आप जाइए asdacademy.in पे और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म भर दीजिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। और अगर डिटेल चाहिए अकेडमी के बारे में तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और बता दूँ मैं आपको कि मैं एक इसी काउंसिल का सीईएच एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए सिटी सेशन बहुत जल्दी आने वाले भाई, सिटी सेशन बहुत जल्दी आने वाले, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको यह सब हमारा इस पर्टिकुलर अकेडमी के अंदर होता है, ये प्लीज स्टूडेंट हमारे, और यहाँ पे गोगू का नाम भी है, आर्य राणा, ठीक है। सो ये पूरा मतलब साइट है हमारी एज अकेडमी का, आप जाके इसमें डिटेल ले सकते हैं। डिप्लोमा करवाती है हमारी कंपनी, अच्छे डिप्लोमा सेशन हम लोग करवाते हैं, प्लस अभी इंडस्ट्रियल विजिट, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, तो आप प्लीज़ जाके आप ना इंजॉय कर सकते हैं। देखिए पूरा सेशन को, सुपर 30 और लेट्सविन दो बैच दे रखे हैं। 1 ईयर की फीस इसकी 30,000 है लेट्सविन की, सुपर 30 की 50,000 है, जिसको आपको किस्तों में पे करना है। तो आप डिप्लोमा करके आप हमसे डायरेक्टली सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका आज का सेशन जो है यहीं पर अपन एंड करते हैं, काफ़ी कुछ डिटेल मिल गई होगी और ज़ैप प्रॉक्सी चलाना आ गया होगा आपको। जाइए चलाइए ज़ैप प्रॉक्सी, बग्स फाइंड आउट करिए, रिपोर्ट करिए, और अगर आप बग्स कुछ फाइंड आउट करते हैं बट ज़ैप प्रॉक्सी का यूज़ करते हुए, तो इंस्टाग्राम पे hacker_blog को टैग करना ना भूलें। और अगर फॉलो नहीं करा है hacker_blog को, तो प्लीज़ hacker_blog को फॉलो नहीं करा, फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम पे जाके, उससे हम काफ़ी सारे अपडेट्स डालते रहते हैं। मेंबर के लिए इस वीक में क्या होगा भाई, मेंबर के लिए इस वीक के अंदर पीटी की वीडियो आएगी, नेटवर्क की पीटी की वीडियो आएगी, ठीक है ना। और सीटीए सेशन भी बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाला हूँ, बहुत जल्दी, है ना। पहले एक बार ये वाला जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपका वेब एप्लीकेशन का WAPT का ले लेते हैं अपन, WAPT जो कैसे करते हैं, कैसे बग फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, वो पूरा ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद जाके फिर अपन सीटीएस पर आए, तो वन बाय वन चलेगा ना, तो आपको भी थोड़ा सा ईजी रहेगा कि यार हाँ यार पहले ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया, फिर ये सीख लिया, ईजी रहेगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप बताओ क्या राय है भाई, किसी कैसे बारे इंडस्ट्री लेवल में काम करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन अच्छा है? तो भाई देखिए बता दूं मैं आपको कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो पहले तो आपको स्किल बनानी पड़ती है, स्किल स्किल बना बनाना इंपॉर्टेंट है, आप चैनल के थ्रू स्किल बना सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन के अंदर आप सीए सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। अब एक सीसीएनए की जरूरत नहीं भाई, साइबर सिक्योरिटी के लिए पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो नेटवर्किंग में सीसीएनए डेफिनेटली जरूरत पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी में सीएच बहुत जरूरत पड़ता है। कोई और क्वेश्चन? थैंक्स थैंक्स। कोई और क्वेश्चन आपके तो फटाफट आप क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज फिर सेशन को आज हम एंड करेंगे। 12 मिनट और लाइव हूँ, 12 मिनट, हाँ शायद से नहीं, 11 मिनट लाइव हूँ मैं और, ठीक है। और उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे आज। गिव सॉल्यूशन फॉर टॉर ब्राउजर टर्न ऑन जावास्क्रिप्ट, भाई सॉल्यूशन तो क्या मुझे एक बार दिखना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं जा सकता मैं। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करो तो ज़्यादा डिटेल मिल पाएगी आपको। फटाफट कोई और क्वेश्चन है आपको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज सेशन को फिर आज यहीं पे एंड करेंगे। फास्ट फास्ट गाइस, भाई जिन लोगों ने सीरीज देख ली है हमारी, कौन सी जो अभी हमने बनाई थी नेटवर्क की VAPT की, तो बताना एक बार कैसी लगी आपकी। साइबर में क्या सर्टिफिकेट, साइबर के अंदर बेसिकली सीईएच कर सकते हैं आप, सीईएच है ठीक है ना, ECSS है आपका, CNDE है आपका ठीक है ना, ECSLPT है, उसके अलावा आपका OSCP है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इंस्टाग्राम मैसेज देखो भाई, इंस्टाग्राम पर डाला है क्या? और प्लीज़ मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ एक टेलीग्राम का लिंक, अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ना, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर गूगल मीट पे क्लास चाहिए तो फॉर्म भर दीजिए आप, उसके लिए चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, वो भर दीजिए, गूगल मीट पे क्लास हो जाएगी आपकी। एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं, भाई ने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई मैसेज करा है,
चेक कर दे क्या मैसेज कर रहा है। अरे कहाँ कर रहा भाई, ओहो काफी इशू फेस कर रहा। रीलोड द पेज। ओके हिडन विकी डॉट कॉम के लिए आ रहा है क्या आपके? हिडन विकी डॉट कॉम, प्लीज वेट, वी आर चेकिंग योर ब्राउजर। हिडन विकी डॉट कॉम यार आना तो। चलो मैं भी एक बार ऊपर देखता हूँ, मैं टॉर को ओपन करता हूँ। टॉर ओपन करा, कनेक्ट करता हूँ मैं। HIDDEN हिडन विकी डॉट कॉम। भाई मेरे तो चल गया, दिख रहा ना आपको मेरे तो चल गया। चल रहा है मेरे तो, मेरे इशू नहीं आ रहा है। सरेंडर पे फॉर्म भर दिया था, अब क्या करना होगा? शिवांश अभी जो इंटर्नशिप है बेसिकली अभी हमने बंद कर रखा है, तो प्लीज अभी तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, जैसे स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा मैं आपको। यस सर, CHVC इसी काउंसिल सर्टिफिकेट जरूरी है या अदर CEH होगा तो काम होगा? भाई CEH एक ही है, इसी काउंसिल का ही है, प्रॉपर्टी कोर्स है CEH जो है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसी काउंसिल का ही है, किसी और का है ही नहीं है, तो आप कहीं और से नहीं कर सकते। और बताओ कोई और क्वेश्चन है तो 8 मिनट और लाइव हो, उसके बाद फिर बंद कर देंगे आज सेशन को। फास्ट फास्ट भाई, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट एक बार, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो। और ट्राई करेंगे कि आज हमारा जो है 7K जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए वाला चैनल, कि भाई अपना भाई का चैनल है और है ना इसके ऊपर काफ़ी सारी साइबर सिक्योरिटी की लाइव प्रैक्टिकल वीडियोस आती है, तो सपोर्ट करिए अपने कॉलेज अपने स्कूल के अंदर, स्प्रेड करिए और कोचिंग्स के अंदर आप स्प्रेड करिए, मैक्सिमम लोगों को आप भेजिए, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। आप इंस्टाग्राम पर हमें टैग कर सकते हैं कि आप इस चैनल को जाके इस पर्टिकुलर अकाउंट जाकर फॉलो करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए हमारे लिए भी, ठीक है ना? आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग लेकर आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और कुछ मेंबरशिप्स के लिए भी। तो मेरा तो मेंबरशिप जो है आपकी वर्दी हो रही होगी सर, CEH की ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हैं हो, लेकिन सर्टिफिकेट इसी काउंसिल का ही वैल्यूएबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला गूगल ने सर। कल इंटरव्यू और इंटर्नशिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कौन वाले। तो भाई कल इंटरव्यू, तो किस चीज़ का इंटरव्यू बता बताना चैट बॉक्स के अंदर डाल के, वेब टेस्टिंग का है, नेटवर्क टेस्टिंग का है, किस चीज़ का इंटरव्यू है? एग्जाम फीस कितनी होगा CEH का? 22,500, 18,500 उसको पड़ती है पर्टिकुलर आपके ETC को, और एना उसके अलावा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके वो भेजता है, तो 22,500 का पड़ता है आपको। गुड नाइट बिमल, फटाफट शिवांश जो भी आपके मतलब आपका JD क्या होता है मुझे आइडिया देंगे, JD के किस किस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, किस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से बता पाऊँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, उसके लिए तो आप गूगल पे सर्च कर लो। हाँ टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ मैं, उसमें जाके आप चैट बॉक्स में डाल देना। भाई हाउ मच मार्क्स वी शुड गेट फॉर डिप्लोमा? भाई डिप्लोमा के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं हमारे 60-70 मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा आफ्टर 12th कितना चाहिए डिप्लोमा करने के लिए हमारा? उसके लिए तो आपको है ना 60% तो मिनिमम चाहिए होता है। कितना है विशाल? ऐसे पर्टिकुलर हमारा जो है ना क्राइटेरिया नहीं है कोई भी, क्योंकि क्या होता है जैसे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना हो पर्टिकुलर 10th 12th के अंदर, लेकिन आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में, तो हो सकता है आप 12th के अंदर अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप मेरे को आंसर नहीं दे रहे देते हो? अरे भाई आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं। टुमारो आई विल डाउनलोड जैप प्रॉक्सी एंड स्कैन माई स्कूल साइट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, करो करो करो। वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर पूछ सकते हैं भाई कौन कौन से प्रोफेशनल टूल्स पर आपने काम करा है, तो अगर आपने वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग का है तो आप है ना एक तो बता सकते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना? 62 मार्क्स चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स के अंदर, जाके आप भर सकते हैं सीधे आप डिप्लोमा करने के लिए, ठीक है ना? तो पहले तो आप वेब टेस्टिंग के अंदर ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन से टूल्स के ऊपर आपका हैंड्स ऑन है, तो आप उसमें जैप प्रॉक्सी बोल सकते हैं जो आज मैंने जस्ट कराया आपको। उसके अलावा बर्प सूट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बर्प सूट के ऊपर मेरी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप जाके उसका भी ना मतलब अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप। राम राम सर जी, राम राम मिलन
ज्वाइन कर सकते हो, 89 रुपीज़ की मेंबरशिप रहेगी, उसको ज्वाइन करके आप है ना सारी बक्सवुड की वीडियो देख डाल लो, ठीक है ना। और वही कल बक देना पूरे पूरे आपके सेशन के अंदर कि भाई बक्सवुड में मैंने काम करा हुआ है, अच्छा हैंड्स ऑन है, और थोड़ा बहुत आप है ना उसके बारे में वेब टेस्टिंग के अंदर ओवास टॉप 10 के बारे में पढ़ लो, ओवास टॉप 10 क्या होता है, ठीक है ना, कौन कौन से टाइप के ओवास टॉप मतलब टॉप 10 में कौन कौन से बग्स आते हैं, और 2021 के अंदर और पुराने वाले के अंदर क्या डिफरेंस, थोड़ा बहुत ये पढ़ लो, ठीक है ना। ओवास टॉप 10, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेना आप, प्लस ये देखना ना ये दोनों कंपेरिजन देखा, 2017 प्लस उसके अलावा 2021 दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है, नए नए बग्स कौन से फाइंड आउट हुए 2021 के अंदर, और फिर कुछ ना कुछ बग्स के बारे में पूछ लेते, क्रॉस स्क्रिप्टिंग क्या होती है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ऐसे कुछ पूछ सकता है वो, ठीक है ना। उसके अलावा एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे फाइंड आउट करके किसी लाइव वेबसाइट के अंदर, ये सब चीज़ें आप आराम से पूछ मतलब ये सब पूछ सकता है वो आराम से। उसके अलावा कभी पहले कभी कोई काम करा है, बीएपीटी का पीरियड करा है, उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कि आपने कहीं बग हंटिंग कोई जैसे बग क्राउड के ऊपर कोई प्रोफाइल है आपकी, हैकर पर कोई प्रोफाइल है क्या आपकी, या फिर पर्टिकुलर आपका ये जो है क्या नाम है ओपन बग बाउंड्री कोई प्रोफाइल है नहीं है, तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रोफाइल्स पे स्ट्रॉन्ग कर लो आप, ठीक है ना, जो अगर आप बग हंटिंग में जाना चाह रहे हैं तो। रीडोज एंड आर यू डीवा अटैक में क्या फर्क है सर? रूडी ये कौन सा अटैक है भाई, मैंने सुना नहीं, डीडोज तो समझ में आता है मुझे, R.U सॉरी भाई डिपेंड करता है HP तुम कौन सा ले रहे हो, मेरे हिसाब से एसर ले लो तब भी चल जाएगा, एसर भी अच्छा है। लो स्लो अटैक दैट कीप्स अ सर्वर ड्राइड अप। अच्छा ये भी है, आर यू डेड येट, मतलब ये स्लो है, जैसा था पिंग करते अपन धीरे 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 वैसा काम करेगा ये आपका, ठीक है ना, तो ये वैसे वैसे काम करता है, देखा ना लो एंड स्लो अटैक, तो बेसिकली कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा उसको, और डीडोस से एकदम से अपन इमीडिएटली ये ना बहुत सारा ट्रैफिक डाल सकते हैं। बेस्ट है या प्रॉक्सी, भाई दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है, हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं, पर दोनों का जैसे मैनुअल टेस्टिंग करना होता है तो बर्बसूट बेस्ट है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आराम से स्क्रॉल वगैरह हो जाता है उससे, है ना, और ऑटोमेट टेस्टिंग करना है तो जैप प्रॉक्सी बेस्ट है, ऐसे करके मतलब हर चीज़ के लिए अपना अपना स्कोप रहता है उसका। लेजिट साइट टू बाई सीसी, भाई मुझे नहीं पता सीसी के बारे में, ठीक है ना, मुझे मैं कभी करा नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। यस यस, कोई और क्वेश्चन, अदरवाइज फिर आप 2 मिनट बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा। आज हमने पढ़ा है क्या जैप प्रॉक्सी, जैप प्रॉक्सी ऑटोमेटेड टूल है जिसके थ्रू हम लोग बग्स फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, तो वो बताया मैंने आपको, इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि WPT करते कैसे हैं जैप प्रॉक्सी का यूज करते हुए, तो डाल देना, तो मेंबरशिप के ऊपर एक मेंबरशिप में प्राइम वीडियोज में डाल दूंगा मैं कुछ वीडियोज बना के, ताकि आपको पता चल जाए कि जैप प्रॉक्सी के थ्रू किस तरीके से अपन WPT परफॉर्म करते हैं। चले 2 मिनट और बचा हुआ है, उसके बाद फिर मैं इसको एंड करूंगा, तो कोई और क्वेश्चन है आपके तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें hacker_blog को, अगर जितने लोग क्लास ले रहे हैं वो अभी स्क्रीनशॉट लेके हमारी क्लास का और ना अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर डालें hacker_blog को टैग करके कि हमने अभी लाइव क्लास ली है। भाई सर वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट में, भाई पूरा नाम होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट होता है, वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनानी होता है और कुछ नहीं। गुड नाइट गोल विद राजू, रियल साइड बग फाइंड करके पूरे रिपोर्ट तैयार करके, ठीक है रियल साइड में बग फाइंड आउट करके, ये इसके लिए आप है ना मुझे एक बार कमेंट में डाल देना, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में डाल देना किस से वीडियो बनानी है आपने, भाई दिखाइए ना लाइव, लाइव दिखाने के लिए भाई बहुत टाइम लगेगा उसको, ठीक है ना, आप भी बैठ नहीं पाओगे इतना टाइम तो इसलिए ऐसा नहीं है, लाइव में शायद ही ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना, कि भाई लाइव में चलो ठीक करवा दूंगा, मैं लाइव भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, मुझे ढूंढ लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है सर, बग्स ढूंढना तो भाई बाएं आता खेले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट बस 1 मिनट और फिर सेशन को आज एंड करने का समय आ गया है, ठीक है ना, धन्यवाद आपका, आप सभी ने बहुत अपना टाइम दिया, यूजफुल टाइम दिया आपने हमें हमारे लाइव सेशन के अंदर, और वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने लाइक नहीं करा शेयर करना आप बोले अपने फ्रेंड के साथ में, और थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए, अगर आपने अच्छा नॉलेज लिया है तो वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करना ना भूले कि आज आपका सेशन जो है वो कैसा लगा। सर आप ऐप मेंशन ऐड नहीं करते सर, नहीं आप करो सूरज आप करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।
सारे क्वेश्चन का आंसर दिया, आपको टेंशन मत लो, है ना। ओके बाय।